राज्य सरकार पूरी तरह से किसानों को न्याय देने में सक्षम नहीं है, जिससे किसान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस बात को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले और राज्य सरकार की खामियां गिनाई। केंद्र सरकार द्वारा अमल किए गए कृषि विधेयक के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और महाराष्ट्र के तमाम किसानों का पूरा समर्थन प्राप्त है, ऐसी जानकारी पूर्व विधायक अनिल बोंडे इन्होंने दी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बेमौसम हुई बारिश से राज्य सरकार द्वारा जो मदद दी गई वो ढाक की तीन पात जैसे साबित हो रही है, या ये कह सकते हैं कि पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ पर अन्याय हुआ है। किसानों द्वारा जो फसल बोई थी वो फसल के क्षेत्र को न्याय नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है, जिसकी शिकायत नागपुर दौरे पर आए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की है, ऐसी जानकारी पूर्व विधायक अनिल बोंडे ने दी है। आज किसान मोर्चाच्या वतीने राज्यपाल महोदयांची आम्ही भेट घेतली आणि केंद्र सरकारने पारित केलेले कृषी कायद्यांना भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचं आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं संपूर्ण समर्थन आहे याची ग्वाही दिली। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की यावर्षी अवकाळी पाऊस अतिवृष्टी यामुळे यामध्ये जी नुकसान भरपाई देण्यात आली त्यामध्ये पश्चिम विदर्भ आणि पूर्व विदर्भावर मोठा अन्याय करण्यात आलेला आहे। म्हणजे खरीपाचं जेवढं पेरणी क्षेत्र आहे त्यापैकी वाशिम जिल्ह्यामध्ये फक्त 1.5% पेरणी क्षेत्र पात्र केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे अकोला जिल्ह्यापैकी अकोला जिल्ह्याचं फक्त 5% पेरणी क्षेत्र बाधित दाखवलं आहे। बुलढाणा जिल्ह्यातलं 20% पेरणी क्षेत्र बाधित दाखवलं आहे आणि यवतमाळमधलं फक्त 4.5% पेरणी क्षेत्र बाधित दाखवलंय। भारत यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य कि देश का किसान अपनी मांग की पूरी नहीं होने से तिल तिल मरा है। देश में किसानों का कोई वाली है या नहीं ये बताना मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।